नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर बढ़ती सर्दी को लेकर समाजसेवी दीन दुखियों गरीबों की सेवा करते आगे नजर आए। जनपद मैनपुरी में कस्बा करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में माँ पद्मावती चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में कंबल वितरण आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 गरीब दुखियों एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने पद्मावती जी की प्रतिमा की समक्ष दीप जलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गरीब की सेवा करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। हम सभी लोगों को ऐसे कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए ऐसे आयोजन निरंतर करते रहने का भी आह्वान किया। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से फूलमालाएं पहनाकर जोरदार आगमनी की गई। प्रबंधक धरणीधर जैन, पंकज जैन, भारतीय सुमेरु जैन आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता कर रहे श्री राजेंद्र कुमार जैन जी, मुकेश जैन जी, धरणीधर जी, पंकज जी, आलोक जैन जी, रामकिशोर वर्मा जी और सभी उपस्थित यहाँ समाज के अवसर ट्रस्ट के पदाधिकारी आई हुए सभी सम्मानित साथी पत्रकार शुभकामनाएं दूंगा राजेंद्र जी को और उनके पूरे ट्रस्ट के सभी लोगों को जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर गरीब लोगों की मदद करने का काम किया और हम लोगों को भी इस पुण्य में भागीदार होने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपके ट्रस्ट के माध्यम से लगातार समाज सेवा के कार्य और गरीब निर्धन लोगों की मदद, जो वयोवृद्ध लोग हैं जो अपने नहीं मदद कर सकते हैं खुद के, उनकी मदद करने के लगातार आप लोग आगे आते रहेंगे और हम लोग भी जब भी मौका लगेगा समय समय पर सहयोग आपका करते रहेंगे। आपको इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ, क्या है पूरा मामला? ये कार्यक्रम आज पिछले दिनों की ठंड को देखते हुए माँ पद्मावती चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि माननीय पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह जी यादव रहे, साथ ही विद्यालय के प्रबंधक जी धणीधर जी जैन, पंकज भारती जी उप प्रबंधक जी अध्यक्ष और कई सारे अतिथिगण, पदाधिकारीगण और गणमान्य लोगों की उपस्थिति। कितने लोगों को कंबल दिए? लगभग 500 से ऊपर लोगों को कंबल दिए गए हैं और नेक्स्ट प्रक्रिया में भी ये सोचा गया है कि जो रह गए हैं उनके लिए भी अगली कवार में व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके।